सर पास होने के लाले पड़े हैं और आप बातें कर रहे हो 90 पर लाने की। सबसे पहले सर आप पास होने का जुगाड़ बताओ फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स से बहुत टेंशन हो रही है। आओ हम देखते हैं आज, सबसे पहले हम पास होने का जुगाड़ देखेंगे, फिर 90 ऊपर कैसे लाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर स्टूडेंट ने 93% लेके आया है ओवरऑल बोर्ड एग्जाम में, और फिजिक्स में 95 से ऊपर है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन पर लेके आए हैं, और मैं भी खुद 90 से ऊपर वाला स्टूडेंट रहा हूँ। आज देखते हैं हम फिजिक्स में किस तरीके से जुगाड़ से बहुत ही ईजी तरीके से 90 से ऊपर ला लिया जाए, और सबसे पहले तो पास होने का जुगाड़ किया जाए। इसका मतलब फिजिक्स बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं हम। तो आते हैं सबसे पहले हम सिलेबस के पास। तो सिलेबस में आप जानते हैं, आप नहीं भी जानते होंगे तो 2 महीने बचे हैं, तो थोड़ा तो बहुत आइडिया हो गया होगा कि भाई टोटल कितने चैप्टर्स हमारे 14 चैप्टर्स है। टोटल कितने चैप्टर है 14। 14 चैप्टर में अपने को उल्टी गिनती चालू करना है। अभी कुछ लोग तो अपने 780 तक पहुंचे होंगे। ऐसा नहीं पढ़ना मेरे राजा, अपने को उल्टा पढ़ना है अभी। क्यों उल्टा पढ़ोगे? आप देखोगे कि इतनी फिजिक्स टफ है ही नहीं, बहुत ईजी है हमारी फिजिक्स। देखो सबसे पहले हमको 11, 12, 13, 14 चैप्टर करना है। क्यों 11, 12, 13? ह्यूमन नेचर, एटम और न्यूक्लियाई, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, और अगर इनसे न्यूमेरिकल भी बनेगा तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बनेगा, कोई इधर किधर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। तो ये 11, 12, 13 ये तीनों चैप्टर मिला के कितने मार्क्स का है 12, और लास्ट सेमीकंडक्टर तो रसगुल्ला है मेरे लाल, और वो खुद सेपरेट 7 मार्क्स का, जो कि पूरे फिजिक्स में सबसे ईजी चैप्टर है और सबसे ज्यादा वेटेज मार्क्स का है। तो इसका मतलब 12, 7 कितने होते हैं 19 मार्क्स का, तो यही जुगाड़ हो गया। और आपको इसके लिए कुछ नहीं, मेरे बन शॉट देख लेना है, बन शॉट वीडियो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अप्लाई कर दोगे, आप देखोगे इससे बाहर कुछ भी नहीं आया। नेक्स्ट, ये 4 चैप्टर से अपने 19 मार्क्स हो गए। फिर हम आएंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में भाई, चैप्टर नंबर 5 ये देखा जाए तो ये चारों मिलकर 17 मार्क्स का है। तो इसका मतलब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट मिनिमम 4 मार्क्स तो आने हैं इससे। तो मैग्नेटिज्म बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, 3 पेज का है, वन शॉट में आप 30 मिनट में कंप्लीट कर लिए हमने ये। फिर नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी थ्योरेटिकल चैप्टर है, और जब ये 3 चैप्टर 18 मार्क्स के, तो ये मिनिमम कितने मार्क्स का होगा भाई, 5 मार्क्स तो आने ही आना है ना। तो टोटल कितने हो गए 4 और 5 9 और 19 कितने हो गए 28 मार्क्स तो जुगाड़ हो गया। पास होने का लाले पड़ने वाला शब्द भूल जाओ आप, और टेंशन मत लो, सबसे पहले इनको पढ़ो जाके आप, और मेरे बन शॉट की वीडियो देख लो। तो ये पूरे 5 चैप्टर ही, तो सॉरी 6, ये 4, ये 8 नंबर और ये 5 नंबर, टोटल 6 चैप्टर को अपने को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये कितने मार्क्स के हो गए टोटल 28 मार्क्स, मतलब 23 में तो पास होना है। सबसे पहले उसका पास होने का जुगाड़ किया हमने। अब अगर हमको और अच्छा परफॉर्मेंस करना है, ये 6 चैप्टर होने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा पीछे, आप देखोगे उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इसके बाद हमको क्या करना है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है लगभग, ये भी थ्योरेटिकल चैप्टर है और इजी चैप्टर है, और थोड़ा बहुत बस इसमें कॉन्सेप्चुअल है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह। तो ये भी मान लो हमारे 4 मार्क्स और कितने हो गए 32, तो 32 से 35 मार्क्स सबसे इजी तरीका है। अब इसके बाद अगर जैसे जिसके पास होने के लाले पड़े हैं, तो इन चैप्टर के बाद उसको सबसे पहले इनमें कमांड करना है। अगर पढ़ने का ही ज्यादा ही मन है तो फिर फर्स्ट चैप्टर से उसको कुलामसला गौसला पढ़ना है, बिल्कुल मैन क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट पोटेंशियल डायपोल वाला टॉपिक पढ़ लेना, डायपोल पूरा कवर कर लो, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है और मैग्नेटिक वाले चैप्टर में भी है। और फिर कैपेसिटर में, आप जानते हैं कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ लो, और उनके बीच में अगर कोई मटेरियल रख देते हैं तो कैपेसिटेंस का जो डेरिवेशन है उसको कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट, ये तो अब पढ़ा हुआ है, ओम्स लॉ पढ़े हुए हैं, किरचॉफ लॉ और आई वेना वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, आई वेना होता है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड बस, और एक व्हीटस्टोन ब्रिज, ये इंपॉर्टेंट पहले टॉपिक करो और उसके बाद फिर टाइम होगा तो पढ़ना, नहीं तो कोई बात नहीं। जिसको बस क्या करना है 50% मार्क के स्कोर करना है, जिसको 90 करना है तो उसको तो भाई ये सब अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, विद 5 ईयर मिनिमम 5 ईयर बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना है, ताकि पता तो चले कि कैसा आ रहा है पेपर। फिर मूविंग चार्ज में आप जानते हैं लॉरेंज फोर्स है, बायो सेवर्ट लॉ है, और एम्पियर सर्किट लॉ है, और 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर में कितना फोर्स लगता है। नेक्स्ट हमारा फिर EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भाई आप जानते हैं लॉरेंज, तो वो फ्लैंज लॉ, फैराडेस लॉ, और अपना लाइफाई और माईफाई वाला फॉर्मूला, लाइफाई माईफाई वाला फॉर्मूला, ठीक है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट आता है AC। अरे भाई ये तो लॉलीपॉप है हमारा चैप्टर, सिंपल AC में अल्टरनेट करंट 7 चैप्टर में आपको 2 चीज इंपॉर्टेंट, एक ट्रांसफार्मर से रिलेटेड और एक LCR, ये दोनों टॉपिक आपने कर लिए तो 80% चैप्टर तो वैसे ही एंड हो गया। नेक्स्ट आते हैं रे ऑप्टिक्स तो क्या है भाई, मजे की बात है, इसमें मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला डेरिवेशन, और 2 लेंसेज को कंबाइन करने वाला फॉर्मूला जिसको लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं, और हम और फोकल कंबाइंड फोकल लेंस,
माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और एक प्रिज्म, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले इनको करो, बाकी की फिर डिटेल में पढ़ना, तो वो 90 सुपर वाले पूरा डिटेल में करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, और जिसको 90 सुपर लाना है तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और समरी जरूर पढ़ के जाएगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, और फिजिक्स से टेंशन फ्री रहो आप, नो टेंशन, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्त और दुश्मनों सबको फैला दो।